नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है मन में या फिर कमेंट्स में कि सेम अमाउंट है, इसके लिए वन टाइम करूं या SIP करूं, क्या बेहतर है? तो यहाँ पे देखते हैं, फंड का नाम लेते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड। 10 लाख रुपया एक बार झोंक दिया लंबे समय के लिए, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी 10 लाख ही लगाया टोटल उतने समय के लिए, तो क्या बेहतर होगा? तो यहाँ देख लेते हैं, रिकॉर्ड के अनुसार फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। 2005 से लेके अब तक वन टाइम जमा किया 10 लाख रुपया, उस पैसे का वैल्यू आज है 18 साल के बाद 1,45,00,000, 16% का रिटर्न दिया। कैश फ्लो में जाएंगे तो 2005 में 16 रुपया से यूनिट खरीदना शुरू किया, और आज जो है 18 साल के बाद उस यूनिट का वैल्यू है 238 रुपया। शुरू कितने से किए थे? 16 रुपया से, तो 238 रुपया हुआ। इसके चक्कर में वो पैसा बढ़ के हो गया हमारा, जो 10 लाख लगाए थे उस पैसे का वैल्यू बढ़ के हो गया है 1,45,00,000 रुपया। ये तो हुआ वन टाइम का बात। अब इसी पैसे को अगर 10 लाख को 18 साल से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,630 रुपया। तो इसी पैसे को यदि SIP में करते रहें, तो यहाँ पे इसी पैसे को हमने SIP के रूप में सिलेक्ट किया है। फंड का वही नाम है SBI कॉन्ट्रा, और 2005 से लेके अब तक 10 लाख रुपया वन टाइम नहीं लगाया और SIP कर लिया 4,630 रुपये का, तो टोटल 10 लाख रुपया जमा हो गया और वैल्यू बना 40,31,000, 13.12% का रिटर्न यहाँ पे मिला। यानी कि वन टाइम में जो पैसा हमारा 1,45,00,000 रुपया बना था, SIP किया सेम ड्यूरेशन के लिए तो 40,31,000 बना। तो क्या बोलेंगे, SIP बेहतर या वन टाइम बेहतर? एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर सा बात है, और लंबा समय दे रहे हैं तो वन टाइम बेहतर होगा। लेकिन आप छोटे छोटे अमाउंट लगा रहे हैं, पैसा है ही नहीं ज्यादा, 10 लाख होगा तब ना लगाएंगे, और उतना ज्यादा समय होगा तब तो रखेंगे। लेकिन आपको छोटा छोटा अमाउंट है, समय तो बहुत ज्यादा है पर अमाउंट अभी छोटा छोटा ही है, तो SIP ही बेहतर है। जिनके पास पैसा है सब कुछ, उसके लिए सब कुछ अच्छा है, जिनके लिए कुछ भी नहीं है तो यही बेहतर है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 लाख लगा के SWP मार दें, और जो SWP से पैसा आ रहा है उसको SIP में पलटी मार दें। एक तरफ से पैसा आ रहा है, 10 लाख लगाया, आ रहा है SWP पेंशन, और उस पैसे की जरूरत नहीं है, उसको SIP में पलटी मार दें। दोनों चीज मजा ले लेना चाहते हैं, SWP का भी मजा हो गया, SIP का भी मजा हो गया, डबल मजा हो गया ना, ये कैसा रहेगा बताइए? बड़ा अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में कि SWP का भी मजा ले लेते हैं, SIP का भी मजा ले लेते हैं। देख लेते हैं मैथमेटिक्स में उस मजा को कैसे आता है, देखते हैं। 10 लाख रुपये लगाया, 6,000-6,000 रुपये SWP लेना शुरू किया। यहां देख लेते हैं, 10 लाख लगाया इसी फंड में और 6,000 रुपया का SWP कर लिए। यहाँ पे StarSIP.in पे जाना है, SWP सेक्शन में, बिना लॉगिन किए हुए, ताम झाम कुछ नहीं चाहिए। SWP के सेक्शन में गए, 10 लाख लगाया था, 6,000-6,000 रुपये लेना शुरू किया, तो टोटल पेंशन विड्रॉ कर लिए 12,90,000, और आज बैलेंस बचा है 93,52,000। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बैलेंस बच गया 93,52,000 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर एक, 6,000-6,000 रुपया तो मिल ही रहा है, बच गया 93,52,000। अब जो ये 6,000-6,000 रुपया मिला, इसका SIP में पलटी मार दिए। यहां देख लेते हैं, इसका SIP में पलटी मारे, अगर 6,000 रुपये पर मंथ वही फंड SBI कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा टोटल जमा किए 2005 से लेके अब तक 12,90,000। SWP से लिए कितना थे? 12,90,000। वो 12,90,000 झुकते गए झुकते गए झुकते गए, हमको जरूरत था ही नहीं, झुकते गए 50,55,000 बना। तो समीकरण नंबर टू में आया 50,55,000, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दिए, आया 1,44,00,000। ये तो हुआ कि पैसा आ रहा था और झोंकते गए। अब मैं बोलता हूं कि पैसा लीजिए ही नहीं, वन टाइम लगा छोड़ दीजिए। ये है वन टाइम, 10 लाख रुपए झोंका 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 2005 में, छोड़ दिए इसे ही। तो उस जो 10 लाख रुपए को झोंका एक टाइम, 1,45,93,000 होता है 16% का रिटर्न। यहां पे देख लेते हैं, 1,44,00,000 बना, इधर से कान पकड़े उधर से कान पकड़े घुमा घुमा के, और एक जगह बना 1,45,00,000। बात तो बराबर ही ना भाई, नहीं समझ में आया? एक जगह से आप बेचे और फिर खरीदे, खरीद के फिर वही म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया राजू भैया? समझ में तो आ ही गया होगा, थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं। आपने सोना का एक बिस्किट खरीद लिया बड़ा सा, या डब्बा खरीद लिया, उसमें ढेर सारा सोना है,
छोटा 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 गिन्नी है, सिक्का है उसमें। अब आपका जो सोना का रेट बढ़ रहा है हर महीने, आप कह रहे हैं कि लगभग 10,000 बढ़ जाता है, तो 10,000 का बेच दिया सोना, बेच दिया। अब फिर से सोनार के दुकान से 10,000 का फिर से सोना खरीद लिए, सोना एक तरफ से बेच रहे हैं, सोना एक तरफ से खरीद रहे हैं। आप कहेंगे कि पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहे हैं? तो म्यूचुअल फंड में भी तो यही है, पागल हो गए क्या? एक तरफ से SW करके म्यूचुअल फंड का यूनिट बेच रहे हैं, दूसरे जगह से SIP का यूनिट खरीद रहे हैं। तो मैं भी यही बोल सकता हूँ ना, पागल हो गए क्या? ऐसे नहीं सोचना है। अगर सोच भी रहे होंगे तो अब ये वीडियो देख के क्लियरिटी कर लीजिए। अब तीसरा एक क्वेश्चन है, डीमैट में मचमच फंड खरीदूं या फिजिकल मोड में मचमच फंड खरीदूं, क्या बेहतर होगा? मैं तो पहले ये बोलता हूँ, यदि जो पहले मिल जाए आपको जिंदगी में, जो सही वाइफ मिल गई, काली गोरी अच्छी जो भी मिल गई, उसी के साथ निभाना है। अगर आपके पास डीमैट पहले मिल गया उसी में मचमच फंड खरीद लीजिए, अगर आपके पास फिजिकल है उसी में मचमच फंड खरीदिए, वही चलने दीजिए, जो पहले मिल गया वही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, हमको जवाब देना ही है, तो डीमैट में म्यूचुअल फंड भी सही है और फिजिकल में भी सही है। आप फिजिकल खरीदें या डीमैट में खरीदें, फंड मैनेजर तो हमारे बदले में डीमैट के मोड में ही खरीद रहे हैं। लेकिन एक साधारण इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से मैं कहता हूं, अभी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं डीमैट में जाऊं कि फिजिकल में जाऊं। तो डीमैट के अगर मोड में आप जाते हैं तो डीमैट जो है शेयर के लिए डिजाइंड है, और फिजिकल म्यूचुअल फंड ओनली म्यूचुअल फंड के लिए डिजाइंड है, यहाँ पे शेयर तो मिलेगा नहीं आपको। तो जैसे ही आप डीमैट खोलते हैं तो ये वाला शेयर ले लो, ये नोटिफिकेशन, ये ईमेल, इतना गिर गया, इतना बढ़ गया, आपको पागल बना देगा। जबकि आप चाहते हैं मुझे म्यूचुअल फंड ही खरीदना है, तो यदि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदना है तो शेयर न करके आप फिजिकल मोड में जाइए। अब यहाँ पे अगर आप डीमैट के मोड में जाते हैं तो किसी भी ब्रांच में आप स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। कहेंगे वो ब्रांच में जो ऑफिस कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, टक 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 देखेंगे, अरे ये तो डीमैट मोड में है, हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जनरेट ही नहीं होता है, दे नहीं सकते, मतलब ये नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं, जनरेट ही नहीं होता है। वो बोलेंगे आपको जो डीमैट सर्विस प्रोवाइडर है आप वहां से सब कुछ कीजिए। फिजिकल मोड है, किसी भी ब्रांच में जाइए, स्टेटमेंट निकाल लीजिए, फॉर्म भरिए, साइन कीजिए, रिडेम्पशन करके 4-5 दिन में पैसा ले लीजिए। डीमैट के मोड में आपको ID पासवर्ड से ही रिडेम्पशन डालेंगे, या डीमैट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो भी होगा जिसके थ्रू आप डीमैट खोले हैं, वहीं से सारा कुछ होगा। बाकी ब्रांच में आप कुछ भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक ऐसा चीज़ है, ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा आपसे आप कहाँ खोले थे, मतलब ही नहीं है। फॉर्म भरिए, साइन कीजिए, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिमेरिट भी है, मेरिट भी है। मुझे तो फिजिकल मोड ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक फैक्टर और है डीमैट मोड में, डीमैट मोड में अगर जाते हैं तो इसका सालाना चार्ज है, 300 से लेके 500 तक सालाना चार्ज है। अभी से भी जो है तरह तरह का म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन लाए हैं कि जितना भी एक्सपेंस होगा, जो भी होगा तामझाम, सब TER के अंदर होगा, STT हो, एग्जिट लोड हो, सब इसके अंदर होगा। उसी तरह मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर के केस में भी, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी शेयर के अंदर ही डाल दीजिए, जो भी एक्सपेंस रेशियो आता है उसके अंदर ही डाल दीजिए, इन्वेस्टर से मत काटिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 10,000 का शेयर खरीदा और भूल गया, भाई छोड़ देते हैं, अच्छा चल रहा है शेयर मार्केट, हम भी लगा के छोड़ देते हैं। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बेचारे का ₹350 हिट हुआ बैंक में, उस समय दुर्भाग्य से उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो चार्ज काटेगा बैंक 500 से लेके 1,000 रुपया। कोई 500 भी काटते हैं, कोई 1,000 भी काटते हैं, कोई 300 भी काटते हैं, कोई 400 भी काटते हैं, अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम कानून है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। RBI साहब जी एक जैसा होना चाहिए, 150-200 रुपया कर दीजिए सबको एक जैसा, तो ये कटेगा 500 से लेके 1,000 रुपया। अब अगर मान लेते हैं कि 10 महीना पैसा नहीं है उनके अकाउंट में, कुछ और अकाउंट उन्होंने खोल लिया, उससे ट्रांजेक्शन चल रहा है, इससे नहीं कर रहे, तो 10 बार अगर हिट हुआ, 350 रुपया लेने के लिए 10 बार उनके अकाउंट में हिट हुआ, तो 10 बार ECS बाउंस का चार्ज कटेगा, तो 500-500 रुपया के दर से 10 बार करेंगे तो 5,000 रुपया चला ही जाएगा। लगाए थे बेचारे ने 10,000 रुपया, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद 5,000 का चार्ज कट जाएगा। इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना, बढ़ा कितना होगा 10,000 में पता नहीं, बढ़ा घटा क्या हुआ, चार्ज लग के तैयार है, अब पागल बनते रहिए, क्या करना है।
आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब इसी तरह से देता रहूंगा। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है, इन्वेस्ट करना है, तो एसेट प्लस का दो ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। डिस्ट्रीब्यूटर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है, लिंक में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप कहेंगे कि आपके ही ऐप से करना पड़ेगा, कहीं और से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ कर रहे हैं वहीं करते रहिए। लेकिन आपको कोई मदद चाहिए तो हम जिस ऐप से जुड़े हुए हैं आपको भी यहीं पे जुड़ना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ गाइड कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।